भारत में भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं, वहीं ऐसा ही एक ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में, जहां विशेष बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर में 1008 घड़ों से जलाभिषेक किया जाता है। यहां 12 घंटे तक भगवान शिव जलमग्न रहते हैं। और भी कई रोचक तथ्य हैं शिवाड़ घुश्मेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो देश भर में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर और शिवालय हैं, लेकिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना अलग ही महत्व है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इन 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद हैं, उनमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। यही कारण है कि इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी पाप दूर हो जाते हैं। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो भूगर्भ में स्थित है। यहाँ 12 घंटे तक भगवान शिव जलमग्न रहते हैं, गर्भगृह में जल में निवास करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर में 1008 घड़ों से जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ सावन के महीने में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर की पुनर्स्थापना राजा शिववीर सिंह चौहान ने की थी। माना जाता है कि इससे पूर्व महमूद गजनवी ने मंदिर को विक्रम संवत 1081 में तोड़ दिया था। विक्रम संवत 1189 में इसका पुनर्निर्माण हुआ था। तब से शुरू में रियासत काल में स्थानीय जो प्रशासक थे यहाँ के राज परिवार, उनके संरक्षण में रहा और फिर बाद में देवस्थान विभाग से ट्रस्ट बना करके इसको रजिस्टर किया गया और अभी विधिवत सारी व्यवस्थाएं चल रही है। लाखों हजारों यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन मास है, इसका विशेष क्या रहेगा? यहाँ श्रावण मास पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ और पूर्णिमा तक चलता है, और इसमें प्रत्येक सोमवार और प्रदोष को विशेष कार्यक्रम होते हैं। क्या क्या कार्यक्रम है? सत्संग वगैरह, जागरण वगैरह और पदयात्राएं आती हैं। और यहाँ पर करीब 4-5 साल से इस माह में श्रावण मास में आता हूँ शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए। जो शिवाड़ में एक विख्यात हमारा शिवालय है, ये 13वां रूप है जो पानी के अंदर रहता है। इसमें ये कहा गया कि इसको जो प्रथम रूप इसका सोमनाथ है और 13वां रूप ये है जो रुद्र रूप में है, इसलिए इसको पानी में ही रखा जाता है, ठंडा करने के लिए पानी में रखते हैं। शांत है, बड़ा अच्छा जगह है, बहुत ही शांति देता है, यहाँ आना मुझे अच्छा लगता है। आइए जानते हैं शिवाड़ घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के कुछ रोचक तथ्य। विक्रम संवत 1176 में हुआ था पुनर्निर्माण। एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जो भूगर्भ में स्थित है। भूगर्भ में करीब 5.5 फीट तक गहरा है। यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। प्राकृतिक आपदा में टूट जाता है जलहरी का जल। पतंजलि के अष्टांग योग पर आधारित है मंदिर का मुख्य शिखर। सावन में रोजाना 5,000 श्रद्धालुओं की है आवक। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के इस एकमात्र ज्योतिर्लिंग पर एक विचित्र प्रकार से शस्त्रघट का आयोजन होता है। यहां पर एक दिन में एक ही शस्त्रघट होता है जिसमें भगवान शिव 1008 घड़ों से उनका अभिषेक होता है, जलाभिषेक, और वो करीब 12 घंटे जलमग्न रहते हैं। इसका कारण यह है कि ये ज्योतिर्लिंग अंतिम ज्योतिर्लिंग होने के कारण बचे हुए 11 ज्योतिर्लिंग और सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का तेज इसमें समाविष्ट है। इस तेज के कारण ये ज्योतिपुंज अत्यंत ज्योतिपुंज के रूप में दिखाई देता है। इसके चारों ओर 17 घंटे तक जल का परिभ्रमण होता है, इसलिए इसको विशेष लोग मानते हैं। सावन महोत्सव में यहाँ पर ट्रस्ट द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाओं की व्यवस्थाएं की गई है।
घुश्मेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मान्यता ये भी है कि शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में जलहरी का जल प्राकृतिक आपदा आने पर अचानक से टूटने लगता है, जो गांव, राज्य या देश में अनहोनी का संकेत होता है। मान्यता है कि अगर किसी श्रद्धालु का सहस्त्र घट मान्य नहीं होता तो सहस्त्र घट के लिए भरा गया जल फव्वारों के रूप में बाहर निकलने लगता है। सहस्त्र घट का जल मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित प्राचीन कुएं से पारेश्वर परिवार की ओर से लाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।